हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चुनी सूर्यवंशी। मैं बहुत टाइम के बाद यूट्यूब पे आ रहा हूँ, तो आज बहुत स्पेशल है। आज एक पर्सन मिले मुझे जो कि आप लोगों के चहेते कलाकार बोल सकते हो या पर्सन बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो बोल सकते हैं। मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाना चाहता हूँ जिसने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, और हमारे सराज से, सराज गाड़क श्रेणी से, समझ गए हो गए जिन लोगों, जो लोग मेरी वीडियो देखते रहते हैं वो लोग समझ गए हो गए कि कौन है। वैसे मैं दिखाता हूँ आपको कौन है। मेरा नाम चुनी सूर्यवंशी है और मेरा यूट्यूब का चैनल है चुनी सूर्यवंशी ब्लॉग्स। तो आप यहाँ पे मनाली में आए हो, तो मैंने आपको देखा तो सोचा मैं कि आपसे मीटअप कर लेता हूँ, तो इसलिए आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और पहली बार मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट में था पहले से, बट मैं अभी आपके साथ पहली बार मिला हूँ। तो सर, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो आप पहले अपना नाम, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार है सर। हाँ, ये तो सबको पता है सर, आप बहुत फेमस हैं। और बाकी अभी यहाँ पे आने का क्या मोटिव है सर? अभी पिछले कल घूमने आए थे, पिछले कल शूटिंग की हमारी वाली चौक शायद है। अच्छा, चलो घूम फिर लेते हैं मनाली शायद। तो यहाँ पे आप मिले तो आपने पता चलो इसकी सर। मैं, मेरा एक बहुत पहले से आपसे मिल भी था, एक प्लान था मेरा कि मैं स्पेशली आपसे मिलने जाऊँ, पर वो टाइम नहीं था, अभी टाइम लगा है तो मिल लिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि आपका जो ये आप लोगों का यूट्यूब या आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कब से स्टार्ट हुआ सर आपका? बस जिस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज आया, तो मैं सेकेंड ईयर में मैं स्टार्ट, पहले मैं डांस स्टार्ट किया, उसके बाद जैसे फाइनल ईयर में सिंगिंग स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर में मेरा जैसे कि कॉलेज में एनुअल फंक्शन होता है, उस टाइम मैंने डांस किया था स्टेज पे, तो बहुत लोगों को अच्छा लगा, तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, फिर ज़्यादा लोग को अच्छा लगा, फिर ज़्यादा आगे मेरे में एक ही मैं ज़्यादा क्रेज आ गया कि ज़्यादा करता हूँ। फिर डांस चलता गया, कई कभी कभार बीच में जैसे कि आप प्रोग्राम चलते गए, कुछ और डांस भी होता रहा, शूटिंग में गए और ज़्यादा बढ़ता रहे। मैं आज की डेट में अपने YouTube चैनल को ओपन करता हूँ तो सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है नीतू कुमार का ये सॉन्ग। वैसे आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है हिमाचल या बाली चौक की, या आपके जो सराज में आपकी बहुत पॉपुलैरिटी हो चुकी है, तो इसको आगे कैसे बरकरार रखना चाहते हैं आप? आगे का क्या प्लान है आपका? आगे कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे हम लोगों को, क्या चीज़ है जो हमारी सराजी नाटी है, कुछ और है कि लोगों को दिखाएंगे कि हमारा जो कल्चर है उसको किस तरह आगे ले जाना। बाकी सर, आप डांस करते हो, डांस के साथ कुछ और भी हॉबी आपकी? डांस के साथ मैं सिंगिंग करता हूँ, बहुत जगह मैंने प्रोग्राम दिए सिंगिंग के, और डांस तो मेरा आपको तो पता है मेन चीज़ है। मैंने आपके हर जगह पे अभी तक आपकी डांस देखी है। अच्छा, तो सिंगिंग का मेरे को अभी तक कोई देखा नहीं मैंने आपकी सिंगिंग करते हुए, बट ज़्यादातर मैंने लाइव में सिंगिंग, लाइव सिंगिंग आपने की है। तो आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो दोस्त सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए कुछ अपने जो कोई सॉन्ग आपने बनाया है या कोई और सॉन्ग जो आपको अच्छे से आता है? बस वहाँ तो मैं सिंगिंग का ही दिया था मनाली में, उसके बाद अपने कॉलेज में दिया था, उसके बाद गार्लफ्रेंड मिला हुआ और रामपुर साइड भी दिया हमने प्रोग्राम, कई छोटे छोटे मोटे मेले वहाँ भी दिया हमने प्रोग्राम। कोई बात नहीं सर, एक थोड़ा सा गुनगुनाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर, आप ही गाएंगे थोड़ा थोड़ा। मैं भी आपका साथ दूंगा सर, बिल्कुल। ओ कखे कटु टिकट कखे चलिए, ओ कखे कटु टिकट कखे चलिए, ओ राजरिये बेटिये राम कलिए, ओ राजरिये बेटिये राम कलिए, ओ जम्मू कटु टिकट चम्बे चलिए,
वो जम्मू का टू टिकट चंबल सली है, वो राजरी है बेटी है राम कली है, वो राजरी है बेटी है राम कली है, वो हंड है ना तू पैदल लोड़ी गाड़ी है, वो हंड है ना तू पैदल लोड़ी गाड़ी है, वो राजरी है बेटी है राम कली है, हो राजरी है बेटी है राम कली है। वैसे सर आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही ज्यादा, तो इसके साथ आपको डांस के साथ सिंगिंग का भी करना चाहिए लगा। और बाकी यहाँ पे आप लोग शूट कर रहे थे शायद, मुझे अभी पता चला, तो कौन सा गाना जो शूट किया आप लोगों ने अभी? आज हमने एक गाना शूट किया, वो अपने वशिष्ठ में किया। अच्छा, अभी उसकी थोड़ी क्लिप है बाकी है, जो अब अभी इधर माल रोड में करेंगे थोड़ी। बाकी यूट्यूब पर माल शायद आपको बाई फेस नहीं जानते होंगे, आपके नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। यहाँ पे भी बहुत लोग आपको जानते हैं। बाकी आप कुछ और कहना चाहें? इतना काफी है। बाकी सर आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? वैसे मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, दादी है, सिस्टर है। अच्छा। ज़्यादा बड़ी फैमिली है, छोटी है। गर्लफ्रेंड सर? गर्लफ्रेंड समझ लो हैवी नी है। ये क्या मतलब हैवी नी भी है? वैसे गर्लफ्रेंड तो चलो जरूरी है, अगर नहीं है तो बना लेना। हाँ चलिए बनाए। बाकी यहाँ पे कैसा लग रहा आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा है, पर मौसम ऐसा ठंडा है, मनाली का तो ऐसे ही है, सब लोग स्नोफॉल का वेट कर रहे हैं। आपकी लाइफ की बात, बाकी मुझे ये बताइए आप कहाँ कहाँ आपने शो किए हैं अभी तक? मैं शो बंजार में भी किए, बंजार मेले में, कॉलेज में भी, और दाराशंकर मेले में भी, और आपके रामपुर में भी दिया मैंने पीछे भी। रामपुर का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है सर आप लोगों का, आपका बहुत अच्छा। मैंने आपकी वीडियो देखी, रामपुर के जो लोग हैं बहुत लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, यहाँ पे भी बहुत पसंद करते हैं आपकी जो वीडियो, बहुत ग्रोथ कर रही है और हम यही चाहते हैं कि आप ग्रोथ करें। वैसे ये आप लोगों का, आपको इस प्रोफेशन में आने का कब चाव लगा आपको कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊँ? मैं इसलिए लोगों को देखता गया और मेरा क्रेजी बढ़ता गया। अभी के दौर पे देखा जाए तो आप यहाँ पे हिमाचल या बाली चौक या सराज में देखा जाए एकमात्र जो डांसर या सिंगर बोल सकते हो कि पॉपुलर है मेरे हिसाब से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी कुछ और आपके फ्यूचर में प्लानिंग हो तो? मैंने एजुकेशन की, एजुकेशन सर बहुत कम। अच्छा, एजुकेशन कहाँ तक किया सर आपने? एम ए की एक साल हो गया, वैसे दूसरा सेमेस्टर लगा है। बाकी कोई आप अपने व्यू रखना चाहे या स्टडी के प्रति या नशे के प्रति या किसी और चीज के प्रति? चल ठीक है सर, मेरे चैनल पे आने के लिए या मीटअप करने के लिए थैंक यू।